नमस्कार, एमकेएन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, इसमें खंडवा लोकसभा सीट भी शामिल है। चुनाव कार्यक्रम भले ही घोषित ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उपचुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस किसान और आदिवासियों को साधने में जुटी हुई है। इसी के तहत तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बड़वानी में आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें किसान और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर जनता के बीच कांग्रेस नेता अपनी बात रखेंगे। खासकर मालवा निमाड़ के क्षेत्र में बीजेपी ने फोकस किया है, वहीं कांग्रेस की सक्रियता भी बढ़ी है। कांग्रेस की आदिवासी अधिकार यात्रा इसी की कड़ी है। सितंबर माह में होने वाली इस यात्रा की शुरुआत कमलनाथ बड़वानी से करेंगे। यहाँ से ये यात्रा अलीराजपुर जिले में जाएगी। इस जिले के जोबट विधानसभा में भी उपचुनाव होना है। वहीं युवा कांग्रेस भी कार्यशैली में बदलाव कर रही है। हाल ही में युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई थी। इसमें तय हुआ था कि फील्ड में सक्रियता बढ़ाई जाएगी। इधर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी दमोह उपचुनाव में हार से सबक लेकर अब स्थानीय खेमों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। इन सीटों पर हर खेमे के मंसूबे भांपने और उन्हें साधने के लिए नेताओं को मैदान में उतारा गया है। हर सीट के लिए एक एक मंत्री और संगठन के पदाधिकारी को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, लोकसभा सीट पर भी विधानसभा वार मंत्री पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल बीजेपी की मंशा है कि उपचुनाव के ऐलान और टिकट वितरण से पहले इन सीटों पर हर खेमे का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया जाए, ताकि टिकट के समय नाराजगी का नुकसान पार्टी को चुनाव नतीजों में ना उठाना पड़े। कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही आदिवासियों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम किया है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और जहां तक राजनीति का सवाल है, तो आदिवासियों का नाम लेकर राजनीति सदैव भाजपा करती आई है, लेकिन भाजपा ने कभी उनको उचित सम्मान नहीं दिया, उनको अपने बगल में नहीं बिठाया। आज भी उनको वनवासी कहकर संबोधित करते हैं। और हमने देखा भाजपा शासन काल में जिस तरह से निरंतर आदिवासियों पर अत्याचार एवं उनके साथ मॉब लिंचिंग हो रही, मारपीट हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, बहु बेटियों के साथ उनकी हत्याएं की जा रही हैं, इससे साबित होता है कि भाजपा सदैव ही आदिवासी विरोधी रही है। और इसी सब को देखते हुए उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए ऐसा लगा कांग्रेस पार्टी को कि हम भले ही विपक्ष में हैं तो क्या हुआ, हम आदिवासियों की आवाज को बुलंद करने के लिए आदिवासी अधिकार यात्रा जो है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि भाजपा ने, शिवराज सरकार ने तो आदिवासियों की जो एक दिन की छुट्टी थी उसको भी बंद कर दिया है। ये क्या आदिवासियों का विकास करें। तो इसी विषय पर अधिक चर्चा के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता खंडवा से आनंद बुंदेला। आनंद, उपचुनाव को लेकर कैसी स्थिति है फील्ड पर, किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? जी दिव्यांशु, मैं बताना चाहूंगा कि उपचुनाव का लेकर जो है बीजेपी ने जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। जी जी, इसी के साथ जो है कांग्रेस भी अपने संगठन की बैठक को लेकर जो है तैयारियां शुरू कर दी है। जी आनंद, जनता में किस तरह का रुख देखने को मिल रहा है? जनता किसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए दिव्यांशु, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो जिस तरीके से जनता का रुख तो अभी खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसका साथ देगी। आनंद, कांग्रेस जो है वो आदिवासी अधिकार यात्रा निकालने जा रही है, तो इस आदिवासी अधिकार यात्रा के केंद्र में आदिवासी रहेंगे, तो आदिवासियों में किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर आदिवासियों में जो बढ़िया माहौल है, यहाँ पर जो है आदिवासी विधानसभाओं में एक 15 विधानसभा है खंडवा क्षेत्र की, यहाँ पर जो है विधायक राम डांगुरे भी जो है आदिवासियों को साधने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा भी बीजेपी जो है आदिवासियों को मतलब अधिक से अधिक अपने उसमें करने के लिए जो है तैयारियों में जुटी हुई है। आनंद, जो स्थानीय मुद्दे हैं वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, जैसे महंगाई, तो इन मुद्दों को लेकर के किस तरह का रुख देखने को मिल रहा है जनता में? जी देखिए, यहाँ खंडवा की बात करें तो बेरोजगारी को लेकर जो है बेरोजगारी है, और इसको लेकर युवाओं में काफी आक्रोश है। युवाओं में सबसे ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो है जो बड़े बड़े मुद्दे है खंडवा के, जो मैं बता दूं, रिंग रोड है, बाईपास है,
और इसके अलावा जो एक नर्मदा जल का सबसे बड़ा मुद्दा था उसको लेकर जो है इधर जो है लोग भाजपा को घेरने का प्रयास करेंगे। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम है, आज हम बात करने जा रहे हैं जो होने वाले उपचुनाव हैं, 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, और इसी विषय पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार नवीन आनंद जोशी जी। नवीन आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका MKN में। नवीन आनंद जी, जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसे लेकर के आपको क्या लगता है कि किस तरह की हवा चल रही, हवा का रुख किस तरफ है? देखिए दिव्यांशु जी, दरअसल ये चुनाव जो होगा ये कोरोना महामारी के दूसरी लहर के बाद वाला चुनाव होगा जी, जिसमें चुनाव आयोग को भी बड़ी चुनौती का सामना करना है और राजनीतिक दलों में खासकर चूंकि कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है, दमोह उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस थोड़ी उत्साहित जरूर है लेकिन उसकी प्लानिंग में अभी कहीं कमी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने चिरपरिचित अंदाज के साथ तैयारी में है और ये लड़ाई चूंकि दमोह उपचुनाव के बाद हो रही है तो इसमें ऐसा लगता है कि जो 3 सीटों का विधानसभा का उपचुनाव है उसमें कांग्रेस थोड़ा जोर ज्यादा लगाएगी बनिस्बत लोकसभा सीट को लेकर के, तो ऐसा नजर ये आ रहा है। दरअसल बीजेपी फुल टाइम चुनाव मोड पर होती है जी, तो वो तो पूरी तरह से तैयार है लेकिन कांग्रेस की अभी तैयारियों का कहीं बाहर नजर नहीं आ रही उसकी तैयारी। नवीन जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दमोह उपचुनाव जीतने के बाद अति आत्मविश्वास से लवरेज हो गई है कांग्रेस और सक्रियता नहीं दिख रही है फील्ड पे? देखिए विपक्ष के तौर पर तो उसकी निष्क्रियता रही है और खासकर दमोह उपचुनाव किन हालातों में जीता है ये सब जानते हैं क्योंकि वहां सबोटेज हुआ था भाजपा प्रत्याशी के साथ, तो बहुत उत्साह की बात वैसे नजर नहीं आती है कि उनको होना चाहिए अति उत्साह में, लेकिन ये उनको एक लाभ मिला है उस लाभ को वो कितना इंगेज कर पाते हैं इन 3 विधानसभा के उपचुनाव में और 1 लोकसभा चुनाव में, इसको देखने वाली बात यही होगी कि वो उसका उसको गुना कितना पाते हैं, दमों की जीत को कितना गुना पाते हैं इन चुनावों में जी। नवीन जी, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें केंद्र में आदिवासी है और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जो है वो कितना असर डालेगा, आपको क्या लगता है कि ये कितना असर डालेगा उपचुनाव पर? देखिए जिस बेल्ट की आप बात कर रहे हैं वहां पर जयस का बहुत प्रभाव है, खासकर निमाड़ क्षेत्र और उससे लगे हुए जो विधानसभा सीटें हैं उसको लेकर के अलीराजपुर और जोबट और ये वो सीटें हैं जहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहां पर जीत हार का अंतर जो होता है उसमें बड़ी भूमिका आदिवासी वोटों की ही होती है और इस बार जयस का जो तैयारियां हैं और जो उसने अपना असर दिखाया है उसके युवा नेताओं का जो संगठन बढ़ा है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भाजपा का पक्ष मजबूत करेगा क्योंकि वो खुद की स्थिति में तो मजबूत नहीं है मतलब, लेकिन उसको किसी अच्छे बड़े दल का और सपोर्ट चाहिए ऐसा नजर आना चाहिए। तो नवीन जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जयस कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, कांग्रेस की वोट काटने का काम करेगा? बिल्कुल करेगा और उसकी वैसे भूमिका पिछले चुनाव में भी हमने देखी है, वो काफी उभर करके आया हुआ संगठन है और उसका राजनीतिक प्रभाव अच्छा है उस क्षेत्र में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चूंकि सत्ता में भाजपा है तो भाजपा चाहेगी कि वो उसको किसी न किसी तरीके से कोई मतलब कोई ताकि वो उनको सपोर्ट में आ जाए क्योंकि कांग्रेस को उसमें नुकसान ही है वहां पर उस बेल्ट में, यदि जयस इस तरफ झुकाव होता है उसका भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो कांग्रेस वहां से साफ हो सकती है। नवीन जी, कांग्रेस जो आदिवासी अधिकार यात्रा निकाल रही है आपको क्या लगता है कि ये कितना असर डालेगी आदिवासियों पे? देखिए ये बिल्कुल चुनाव के तैयारियों को लेकर के की गई एक रणनीति का हिस्सा है और ये लगता जरूर है कि वो इस यात्रा के माध्यम से आदिवासियों में एक अलग जगाने और सरकार के विरोध में एक माहौल तैयार करने का काम करेंगे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनुषांगिक संगठन जो संघ के विचारधारा के जो कार्यकर्ता हैं उनको पहले से ही उस क्षेत्र में तैनात कर रखा है और अभी उसके चिंतन शिविर भी शुरुआत हो गई है, आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश प्रभारी हैं उनके 3 दिनों के कैंप भी हो रहे हैं, वो उस क्षेत्र को भी दौरा कर रहे हैं, वहां से भी सर्वे आ रहा है, तो इस यात्रा के पहले
उनने उसको डैमेज कैसे किया जा सकता है, उस यात्रा में आदिवासियों का रुझान कम रहे और वे भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और संघ की विचारधारा की तरफ कैसे आए, इसको लेकर के भी एक पूरी टीम काम कर रही है वहां पर। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आने वाले उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस जहां एक तरफ आदिवासी अधिकार यात्रा निकाल रही है, जो कहीं ना कहीं क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहां उपचुनाव होने हैं, एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर, तो कहीं ना कहीं ये असर डालने का काम भी करेगी। और इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता अनिल यादव। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। अनिल जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आने वाले उपचुनाव हैं उसमें किसानों का किस तरह का रुख रहेगा, किसानों का रुख बीजेपी की ओर है या कांग्रेस की ओर है? देखिए किसानों का रुख कहीं नहीं रहता है, जब भी सत्ता परिवर्तन में बात आई है तो किसानों ने ही की है जी, शुरू से लेके आखिरी तक। अगर कांग्रेस रही तो बीजेपी को लाने में भी किसानों का हाथ है और कांग्रेस रही तो बीजेपी को, तो ये सत्ता परिवर्तन टोटल किसानों के हाथ में होता है जी। अभी फिलहाल जो स्थिति चल रही है, शासनकाल 15 महीना हमने कमलनाथ जी का देखा जी, कुछ क्या किसानों का यहाँ तक भी रह गया कि नहीं 5 साल अगर देने का अवसर आता तो देख पाते कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है जी। और जिस हिसाब से अभी पुरानी सरकारी कह लीजिएगा वापस लौटी है, तो तब से त्राई त्राई किसानों में मची हुई है, बीमा राशि को लेके कह लीजिएगा या फिर अभी अपलन सोयाबीन वगैरह में हुआ है, और भी राशि हमारी किसानों की बकाया है, बिजली की स्थिति प्रदेश में भी भयावह होने वाली है। तो अभी तो फिर इनके पास इंदिरा सागर डैम में इधर उधर पानी है, कोयले की कमी उतनी नहीं है, लेकिन आगे जाके क्या स्थिति बनेगी जी ये किसान ही समझ सकता है। और इसमें अगर सुधार अभी नहीं किया सरकार द्वारा जी, तो 2023 के चुनाव में वो रिजल्ट आपके सामने आएगा जी। तो अनिल जी कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि किसान संतुष्ट नहीं है सरकार से? देखिए संतुष्ट तो पहले भी नहीं था, जोड़ तोड़ की सरकार बनी हुई है। अगर किसान संतुष्ट होता तो एक तरफा वो मतदान होता जी, भाई संतुष्ट नहीं था तब तो ये सरकार कांग्रेस को अवसर दिया, और अब वो एक अलग बात है जोड़ तोड़ करके किस प्रकार से तुमने सरकार बनाई, भाई हम उसके पर वाद विवाद में नहीं जाना चाहते जी। लेकिन फेलुअर तो पहले भी था और अभी भी है, अब तगड़ी तरीके से 2023 में जवाब दिया जाएगा। अभी जैसे फिलहाल में हरियाणा में जो कुछ भी हुआ है, हरियाणा में अभी कल परसों की बात है कि किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, तो उसका आपको क्या लगता है कि क्या उसका असर पड़ेगा आने वाले उपचुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा, और ये हर जगह की कहानी बना ली साहब, बीजेपी सरकार में अगर कोई बोलता है मुखर होके जी, चाहे किसान हो या आम जनता हो, तो उसके आवाज को दबाने के लिए ये 2-4 उससे केस ला देते हैं ताकि आसपास का भी सतर्क हो जाए, इनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे। लेकिन वास्तविकता जो काम है वो सबको नजर आ रहे हैं, आप दबाएंगे मुझ पे केस लगाएंगे, मैं बैठ जाऊंगा दूसरा कोई और खड़ा हो जाएगा, कितने लोगों पे केस लगाएंगे आप? जगह जगह यही हमारे कार्यकर्ता जहां भी भारतीय किसान यूनियन के खड़े हुए इन्होंने केस ला दिए, तो केस लगाने मात्र से क्या कार्यकर्ताओं को बैठाने से काम नहीं हो जाते, काम तो आपको करना पड़ेगा भाई। किसानों के बीच ये कार्यकर्ताओं को हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को केस लगा देंगे, इससे क्या होगा? बाकी किसानों के ऊपर तो केस नहीं लगे हुए हैं, वोट के समय तो केस नहीं लगाएंगे आप, वोट तो हमें ही करना है। तो ये अभी मनमानी कर ले केस लगा के लाठी चार्ज करके, जो इनके हाथ में है अभी सत्ता दी हुई है हम ही लोगों ने, तो ये हम पे जो जुर्म ढाना चाहेंगे वो हम स्वीकार करेंगे। अनिल जी कांग्रेस आदिवासी अधिकार यात्रा निकालने जा रही है, आपको क्या लगता है कि यात्रा कितना असर डालेगी? देखिए विपक्ष की भूमिका कांग्रेस अगर ठीक से निभाती तो हम लोगों को भारतीय किसान यूनियन को या किसानों को लड़ने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। जितनी मुखर होके विपक्ष में बीजेपी बोलती थी, कांग्रेस उतना मुखर होकर के इनके विरोध नहीं कर रही है। डीजल का ले लीजिए, पेट्रोल का ले लीजिए, इतने मुद्दे इनके हाथ से गए हैं, इन्होंने कहीं आवाज विशेष करके नहीं उठाई। वो अलग बात है कि एक जातिगत वोट साधने का प्रयास कर रहा है, वो तो पिछड़ा वर्ग को लेकर के भाजपा भी कर रही है, तो इसका असर कहीं फील्ड पे नहीं दिखता। आज के समय में काम मांगता है किसान भी और आम जनता भी, काम कितना किया हुआ है। जातिगत बात रही तो सब समझदार लोग तो हुए हैं, कोई भी इस प्रकार ध्यान नहीं देता है, काम को पूछता है इंसान। तो ये अगर कर रहे हैं
आदिवासी समाज के लिए अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो धन्यवाद के पात्र हैं। और जहां तक है आने वाले चुनाव को देख करके सभी पार्टियां इस समय सक्रिय हो गई हैं। जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज जो हमारा चर्चा का विषय है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आने वाले उपचुनाव को लेकर के, और इसी विषय पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता अनिल बूलचंदानी जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। धन्यवाद धन्यवाद। अनिल जी, क्या एजेंडा रहेगा बीजेपी का आने वाले उपचुनाव को देखते हुए? किस एजेंडे के तहत बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जी, और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, लोगों का विश्वास जीता है, उसी आधार पर हम अपने मतदाताओं के बीच में उपचुनाव में जाने वाले हैं। और केंद्र सरकार और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मानववादी काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, कोरोना जैसे महाकाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों के द्वार द्वार पहुंचकर उनकी सेवाएं की हैं, उन्हीं सभी आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जाने की तैयारी में है। अनिल जी, कांग्रेस इसे लेकर के एक आदिवासी अधिकार यात्रा निकालने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि यात्रा का कितना असर पड़ेगा उपचुनाव पर? देखिए, कांग्रेस की राजनीति केवल जातियों पर, संप्रदाय पर, आदिवासियों पर, हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, इस प्रकार की राजनीति करना कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है और देश की जनता कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे को पहचान चुकी है। कांग्रेस कभी भी विकास की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस का काम है केवल फूट डालो, राज करो, क्योंकि मैं प्रारंभ से कहता आया हूं कि अंग्रेज जब भारत छोड़ के चले गए थे तो उनके दलालों के रूप में, बी टीम के रूप में कांग्रेस ने इस देश को विभाजित करने का काम किया है, जाति संप्रदाय के आधार पर वोट मांगे हैं। विकास का दूर दूर तक कांग्रेस से कभी कोई कनेक्शन, कोई नाता नहीं रहा है। अनिल जी, अभी वहां पे बड़वानी में ये तो जय आदिवासी युवा शक्ति जो संगठन है, जयस जिसे कहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये कितना असर डालेगा उपचुनाव में? मुझे नहीं लगता। हर संप्रदाय का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, चाहे वो आदिवासी हो चाहे व्यापारी हो, हर व्यक्ति विकास की धारा में जुड़ना चाहता है। जी, हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रखना चाहता है, वो अपना परिवार सुरक्षित रखना चाहता है, लोग अपने पेट को पालने के लिए व्यापार करना चाहते हैं। किसी भी संप्रदाय का, किसी संगठन का इन चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो विकास की गति बढ़ रही है, श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत बनता चला जा रहा है, उसी आधार पर हम वोट मांगेंगे और जनता भी आज उसी आधार पर वोट देने जा रही है। अनिल जी, जो स्थानीय मुद्दे हैं, वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे महंगाई, जैसे बेरोजगारी, अभी पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए क्या जनता आपको वोट देगी? जनता 100% वोट देगी। जनता पेट्रोल की महंगाई की बातें विपक्षियों के प्रपंचों को बहुत अच्छे से समझ रही है। अब जनता ये जान चुकी है कि सस्ता ही हो चाहे महंगाई हो, कांग्रेस आकर क्या 50 रुपए पेट्रोल कर देगी क्या? कांग्रेसियों को तो अब जो है जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान जाने की तैयारी करनी चाहिए, वहां 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। जी। लेकिन इस देश का जो बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, दलित, किसान और आदिवासी, सब विकास धारा, केवल देश का विकास हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, सब मिलजुल कर इस देश में कोरोना काल में सब लोगों ने जिंदगी और मौत को बहुत नजदीक से देखने के बाद अब ये जाति पाति संप्रदाय की राजनीति खत्म हो चुकी है। अब केवल देश विकास और विश्वास चाहता है, सभी मिलजुल कर साथ रहना चाहते हैं। कोई दलित, कोई हिंदी, कोई सिंधी, कोई हिंदू, कोई मुसलमान की बात नहीं करता। केवल विकास और विश्वास के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, मतदान मांगेंगे और 100% भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता लेकर जनता के सामने पुनः हाजिर होगी। अनिल जी, हरियाणा में अभी हमने तस्वीरें देखी कि वहां पे किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, आपको क्या लगता है कि ऐसी तस्वीरों के बीच में क्या किसान आपको वोट देंगे, क्या किसान आपको चुनेंगे? सर जी, किसान बहुत अच्छे से जान चुका है, पहचान चुका है, ये किसान है ही नहीं, ये तो किसानों के नाम पर किसानों का शोषण करने वाले, केवल ये उन मंडी के दलालों के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। जिस प्रकार की आप वहां पे लाठी चार्ज की बात कर रहे हैं, कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया वहां पे, इन लोगों ने अपने ही लोगों को वहां ले गए थे, भगदड़ इन्हीं लोगों ने मचवाई। किसान बहुत अच्छे से जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री की योजनाओं के कारण जो
किसानों के हितों की योजनाएं थी उसी की बदौलत किसान आज सुरक्षित भी है और हर प्रकार से उन्हें सरकार द्वारा मदद मिल रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। जी अनिल जी, दमोह उपचुनाव में हार के बाद अब बीजेपी उस हार से सबक लेते हुए किस तरह से तैयारी कर रही है ताकि वो जो गलती हुई थी वो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो हमेशा से अपनी किसी भी जीत हार का बहुत अच्छे से अध्ययन करती है। दमोह के उपचुनाव के बाद जो कुछ परिस्थितियां बनी पार्टी ने उस पर गहरा चिंतन मनन किया और उस चिंतन मनन के बाद अब पुनः मैदान में है, डटकर चुनाव लड़ेंगे और सभी चुनाव उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जी। और उस समय में भी जो भ्रम की स्थिति कांग्रेस ने पैदा की थी कोरोना काल में, कांग्रेस ने लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया था। हालांकि उस समय जो चुनाव की स्थितियां थी, चुनाव आयोग की घोषणा थी, ये भी जनता समझ चुकी है। आज दमोह की स्थिति क्या, दमोह के जो विधायक वहां चुनकर गए वो जनता के बीच में जाते ही नहीं है। दमोह के लोगों की आवाजें भी जो है इस उपचुनाव में काम आएंगी। चुनाव ने जो मतदाताओं ने वोट दिए, दमोह की स्थिति क्या है वो भी परिणाम इस चुनाव में बहुत जल्दी से सामने आएंगे। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं आगामी लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर, इसी विषय पर अधिक चर्चा के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरी जी। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। धन्यवाद। अमित जी, दमोह उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस कॉन्फिडेंस से लबरेज है और आने वाले उपचुनाव को देखते हुए क्या रणनीति है? देखिए, निश्चित तौर पर हर एक जीत जो है वो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को बढ़ाती है जी, और हार जो है वो चिंतन के लिए मजबूर करती है जी, और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो जीत के लिए ही रणनीति बनाती है जी। और मुझे बड़े गर्व का अनुभव होता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी इस देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, और अब मैं इसकी और ज्यादा प्रसन्न हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में कि अब कहीं कोई, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारे यहाँ गुटबाजी है, अब माननीय कमलनाथ जी जो है वो मध्य प्रदेश में सर्वमान्य और सर्व स्वीकार नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं, और दमोह में हमारी एकजुटता का परिणाम आपने देखा कि किस तरीके से जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे दी। और दमोह में मुख्यमंत्री जी का भी विरोध हुआ था, तमाम चीजें हुई थी, और पूर्व मंत्री के साथ क्या क्या हुआ ये इनका अंदरूनी विषय है। सही बात, आने वाले उपचुनाव के लिए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक विधायक जो है वो एकजुट हो गया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता जनार्दन जो है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की जो कोरोना के काल में जो अव्यवस्थाएं देखी गई हैं या जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, कल ही एक घटना, एक बहुत ही भयावह घटना राजधानी में हुई है कि एक पूरे के पूरे परिवार ने जो है आत्मदाह उसका सुसाइड का केस किया है बेरोजगारी से तंग आकर जी। तो ये हालात जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और वहीं मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम हर महीने इतने रोजगार दे रहे हैं, हर साल उतने रोजगार दे रहे हैं, धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा, महंगाई जो है चरम पर है, युवा जो है वो अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं पूर्णतः एक निराशा का दौर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थापित हो चुका है। मुझे लगता है कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी और आने वाले समय में जो उपचुनाव है कांग्रेस विजय की प्राप्त करेगी। अमित जी, जो आगामी उपचुनाव होने जा रहे हैं वो एक ऐसी जगह पर हो रहे हैं जो आदिवासी बाहुल्य इलाका माना जाता है, तो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जिसे जयस कहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना असर डालेगा? देखिए, आपको इसको एक दूसरे नजरिए से चुनाव को देखना होगा, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में चुनाव नहीं हो रहा है जी। मध्य प्रदेश में सबसे पहले 2018 में जो है कांग्रेस को अपना आशीर्वाद जनता ने दिया जी, किस तरीके से खरीद फरोख्त करके सौदेबाजी करके सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बना दी, और उसके बाद जो है लगातार महंगाई मार जो है जनता झेल रही है, कोरोना में हजारों लोगों की मौतें हो गई हैं सरकारी तंत्र की असफलता से, तो कहीं कोई आदिवासी हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर तरह का वर्ग परेशान है। किसानों की हालत आप देखिए कि देश में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, कई महीनों से किसान जो है रोड पर बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर जी, तो ये कोई सामान्य परिस्थितियों में चुनाव नहीं हो रहा है, पूरा की पूरा हर एक वर्ग जो है वो परेशान है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए आतुर।
अमित जी, ऐसा कहा जाता है कि जो बीजेपी है ये पूरे समय चुनावी मोड में रहती है, 12 महीने चुनावी मोड में रहती है, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता कहीं ना कहीं उतनी नहीं दिखती है जितनी बीजेपी की दिखती है जमीन पर, ऐसा क्यों? देखिए, ये चाहे किसी भी मोड में रह ले जी, क्योंकि ये इवेंट करने वाले लोग हैं, है ना, और हम लोग जो है वो एक्चुअल काम करने वाले लोग हैं। इसलिए आप देखिए, दमों में हमको आशीर्वाद मिला जी। ये लोग कहते थे कि ये लोग अपना चेहरा घोषित नहीं करते हैं और हमारी जो है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। 2018 में राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ये आपने सबने देखा था। तो एक इवेंट वाले लोग हैं और हम लोग एक्चुअल वर्क करने वाले लोग हैं, बस इतना कहना चाहूंगा मैं। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर के, जो उपचुनाव होने वाले हैं, 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, 1 लोकसभा सीट है और 3 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, और ये चारों ही सीटें आदिवासी बाहुल्य इलाके में आती हैं। कहीं ना कहीं जो आदिवासी वोट है वो भी इस पर काफ़ी प्रभाव रखता है, और ये भी देखने वाली बात होगी कि आदिवासी वोट कितना असर डालते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आदिवासी वोट कितना असर डालते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आप MKN को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए MKN के साथ। नमस्कार।